सीए बनने के लिए आप में क्या खूबी होनी चाहिए, क्या कभी सोचा है आपने? दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है सीए। हर साल लाखों लोग सीए को क्रैक करना चाहते हैं, पर यह डिग्री कुछ ही को मिलती है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्या खास होना चाहिए आप में तो आप सीए बन सकते हैं? नहीं पता? अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपके अंदर जो तीन इंपॉर्टेंट खूबी होनी चाहिए वो है पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन। और जिस किसी में ये तीनों खूबी सबसे स्ट्रांग होंगी उसे सीए बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी आपने। ये कोई नॉर्मल रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। 5 साल लग जाते हैं, पहले फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट और फिर फाइनल क्लियर करना पड़ता है और फिर आप बनते हैं एक चार्टेड अकाउंटेंट। जब आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो आपको अनलिमिटेड स्टोरीज मिलेंगी, सक्सेस की, फेलियर की, सपनों की। कुछ कहानी बीच में ही टूट जाती हैं और कुछ अपना सपना पूरा करती हैं। ये सीए का एग्जाम ना आपका फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी आपको टेस्ट करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट नहीं निकला, थर्ड अटेम्प्ट नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे तो जिंदगी के 6 से 7 साल गायब हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन पर बिखरा हुआ होता है। इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ नहीं आता तो सब खाली लगता है। मेहनत कोई नहीं देखता, लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना। और आप में से 99% लोग सीए नहीं बनेंगे। मजाक नहीं कर रहा, ये फैक्ट है। फाउंडेशन में 28% रिजल्ट आता है, इंटरमीडिएट में 15% और फाइनल में 10%। तो यानी जो भी ये वीडियो सुन रहा है वो शायद सीए बन जाए, कोई गारंटी नहीं है। डर गए? सोच रहे होंगे यार ये वीडियो क्यों देख ली, ये वीडियो मोटिवेशनल की जगह डीमोटिवेशनल वीडियो बनती जा रही है। मगर इन सब के बावजूद आप तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, एग्जाम दोगे एंड दैट्स मेक यू अ वर्दी सीए एस्पिरेंट। टफ है यार सीए, टफ है, सबको पता है सीए टफ है। मुझे याद है जब मैं सीए ज्वाइन कर रहा था तो मेरे फादर ने भी मुझसे 2 बार पूछा था, कल लोगे ना? क्या आपने सोचा है कि सीए इतना टफ एग्जाम क्यों लेता है? क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है ये प्रेशर आपकी आदत बन जाए, ये जो प्रिपरेशन है ना आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाए। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये गाइस, क्योंकि आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को मैनेज करना है, और वो भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी। सीए प्रिपरेशन आपको एक सोच देती है, एक डायरेक्शन देती है कि कैसे हमको अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए, कैसे ये करप्शन, ये ब्लैक मनी को रोकने में गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। तो मेरे कछुओं, डूब जाओ इसमें और ढूंढ लाओ अपना भविष्य, क्योंकि इम्पॉसिबल हिमसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल।